दोस्तों आज 28 मई 2022 को महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के क्वार्टर फोर के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है और इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ग्यारह रुपये पचपन पैसे प्रति इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है अगर हम लोग इस डिविडेंड को इस शेयर की फेस वैल्यू जो पाँच प्रति इक्विटी शेयर है इससे कंपेयर करें तो ये डिविडेंड दो है लेकिन अगर हम लोग इस शेयर के कल के क्लोजिंग का प्राइस जो लगभग नौ है इससे इस ग्यारह रुपये पचपन पैसे के डिविडेंड को कंपेयर करें तो ये डिविडेंड 1.2 परसेंट है इस डिविडेंड की अप्रूवल आने वाले ए में जो 5 अगस्त 2022 को होने वाली है उसमें शेयर होल्डर से ली जाएगी कंपनी ने इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 15 जुलाई 2022 फिक्स की है तो ये शेयर 14 जुलाई 2022 को एक्स डिविडेंट हो जाएगा तो इस डिविडेंट को पाने के लिए आपके लिए जो लास्ट बाइंग डेट है वो है तेरह जुलाई दो तो अगर आप ग्यारह रुपए पचपन पैसा का डिविडेंड चाहते हैं तो आपको इस शेयर को 13 जुलाई 2022 तक बाई कर लेना है और अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो आपको अपने शेयर को 13 जुलाई 2022 तक होल्ड कर रखना है अगर आप ये डिविडेंड चाहते हैं तो यह इस कंपनी का कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर करोड़ में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर क्यू में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पच्चीस करोड़ है जो क्यू थ्री में ये तेईस हज़ार पाँच सौ चौरानवे करोड़ था और प्रीवियस ईयर की क्यू फोर में ये इक्कीस हज़ार चार सौ छप्पन करोड़ था तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ट्वेंटी पॉइंट एट सेवन परसेंट की बढ़त हुई है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये लगभग दस परसेंट बढ़ा है क्यू फोर में टोटल इनकम छब्बीस हज़ार दो सौ पंद्रह करोड़ है जो प्रीवियस क्वार्टर में ये तेईस हज़ार सात सौ पचासी करोड़ था और प्रीवियस ईयर की क्यू फोर में ये इक्कीस हज़ार सात सौ सत्तर करोड़ था तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 20.4 परसेंट की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 10.22 परसेंट बढ़ा है क्यू में प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम तीन करोड़ है जो क्यू में ये 3,210 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्यू में ये 1,977 करोड़ था तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम सिक्सटी बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 1.4 परसेंट बढ़ा है Q4 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट 2608 करोड़ है जो Q3 में ये दो करोड़ था और प्रीवियस ईयर की Q4 में ये एक करोड़ था तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पैट में 59.53 परसेंट की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 4.94 परसेंट बढ़ा है क्वार्टर फोर में प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑनर्स 2237 करोड़ है जो क्यू में ये एक करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्यू में ये एक करोड़ था तो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑनर्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 47.8 परसेंट की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह 12.5 परसेंट बढ़ा है क्वार्टर फोर में अर्निंग पर शेयर बीस रुपये तेरह पैसा है जो प्रीवियस क्वार्टर में यह सत्रह रुपये नवासी पैसे था और प्रीवियस ईयर के क्यू फोर में ये तेरह रुपये तिरसठ पैसे था तो अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 47.7 परसेंट की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 12.5 परसेंट बढ़ा है Q4 में इस कंपनी का कॉन्सोलीटेड ऑपरेटिंग मार्जिन 12.45 परसेंट है जो Q3 में ये 14.67 परसेंट था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 12.43 परसेंट था तो आप देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो ये स्टेबल लग रहा है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें थोड़ा दबाव है क्वार्टर फोर में इस कंपनी के पैट का मार्जिन 10.06 परसेंट है जो क्यू थ्री में ये 10.53 परसेंट था और प्रीवियस ईयर के क्यू फोर में ये 7.62 परसेंट था तो पैट के मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बढ़त है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें थोड़ी सी गिरावट है आप इसे स्टेबल भी समझ सकते हैं तो हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पैट ई इन सभी में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्वार्ट दोनों ही बेसिस पर बढ़त हुई है और इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो थोड़ी सी बढ़त हुई है स्टेबल है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें थोड़ा दबाव है तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें बहुत बहुत धन्यवाद